नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। दुग्धा कोलवाशरी के क्लर्क प्रकाश कुमार सिंह और गृहिणी लवली सिंह का पुत्र प्रांजल ने नीट 2024 की परीक्षा में 720 अंक में 689 अंक लाकर एनटीए रैक 5217 को प्राप्त कर अपना और अपने परिजनों के साथ साथ दुग्धा क्षेत्र का नाम रोशन किया है। प्रांजल न्यूरो सर्जन बनकर लोगों की सेवा करना चाहते हैं। प्रांजल ने देवी पब्लिक स्कूल दुग्धा से वर्ष 2022 में 10वीं की परीक्षा 97% अंक और 12वीं की परीक्षा चिन्मया विद्यालय बोकारो से 2024 में 94.8% अंक के साथ पास किया। प्रांजल ने नीट 2024 की परीक्षा प्रथम प्रयास में 689 अंक प्राप्त किया। नीट 2024 की परीक्षा में प्रांजल ने भौतिकी में 180 अंक में से 162 अंक, रसायन विज्ञान के 180 अंक में से 171 अंक और जीव विज्ञान में से 360 अंक में से 356 अंक को प्राप्त किया है। प्रांजल ने अपनी सफलता के पीछे माता पिता गुरुजनों सेल्फ स्टडी को श्रेय दिया है। प्रांजल MBBS कर एक अच्छा न्यूरोसर्जन बनना चाहते हैं। BCCL कर्मी के पुत्र प्रांजल की सफलता पर दुग्धा कोलवाशरी के परियोजना पदाधिकारी सुनील कुमार शर्मा, राजस्व अधिकारी जितेंद्र कुमार सिंह, BMS नेता SK मिश्रा, क्लर्क राजू महतो, संजीव कुमार समेत कई अन्य कर्मियों ने प्रकाश कुमार सिंह के आवास पर पहुंचकर बधाई दी। आगे तो अभी फिलहाल MBBS करेंगे, उसके बाद आगे एक स्पेशलाइजेशन भी करना। अब तो मैं चाहता हूं कि न्यूरोसर्जन बनूं आगे चल। बहुत खुशी महसूस हो रहा है, अच्छा लग रहा है। मुझे जिससे इसने मेहनत किया था उस हिसाब से अच्छा रिजल्ट भी किया है इसने। आगे बस हम इससे यही कहना चाहेंगे कि जैसा आज तक इसने मेहनत करके अपने सफलता को हासिल किया है, वो आगे भी इसी तरह से अपने पढ़ाई को कारगर अपनी पढ़ाई को करे और अच्छे से मतलब अच्छे से अपने लाइन मतलब अच्छे से अपने इसमें सफलता हासिल करे। विटामिन न्यूज़ के लिए चंद्रपुरा से मनमीत महतो की रिपोर्ट।